हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस कल्चर के टूल्स के बारे में। ये बहुत ही खास टॉपिक है क्योंकि कई लोग मूर्ति बनाना चाहते हैं और ये नहीं जान पाते हैं कि टूल्स का क्या यूज है, कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस कल्चर के टूल्स के बारे में। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक पार्ट बहुत ही ज़रूरी है। और ये रहा वो टूल्स जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे हर एक टूल्स का यूज़ होता है, कटिंग होती है, फिनिशिंग होती है। और सबसे पहले हम लोग एक स्कल्पचर बनाएंगे, उस स्कल्पचर में मैं आप लोग को हर एक टूल्स का यूज़ दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो टूल्स अब हम लोग बात करेंगे ये कैसे वर्क करता है, क्या यूज़ होता है इसका। तो गाइस, इसका यूज़ ये होता है कि इसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाया है, ये फिनिश नहीं है, पर इसको कटिंग करके एंड इसके बाद क्या टूल्स यूज़ होता है वो यूज़ करेंगे। तो पहले दिखाते हैं इसका यूज़ कि क्या यूज़ होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है, ये कटिंग के पर्पस से होता है और इससे सरफेस भी हम लोग प्लेन कर सकते हैं। पर अगर सरफेस प्लेन करना है तो उसके लिए हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाले टूल्स का। और चलिए बताते हैं कि इसका भी यूज़ कैसे होता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि फिनिशिंग हो गई है, बट कहीं कहीं पे देखिए ये जैसे सरफेस उठा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग वायर टूल्स का यूज़ करेंगे। वायर टूल्स कई तरीके से आते हैं, कुछ बड़े होते हैं बड़े वर्क के लिए, कुछ छोटे होते हैं छोटे वर्क के लिए। तो ये छोटा वायर टूल्स है, ये छोटे वर्क के लिए। तो इससे हम लोग करेंगे क्या कि इसके सरफेस को इससे कट करने के लिए है, मीन्स कट करके उसको फिनिश करना। तो दोस्तों, हम लोगों ने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है क्ले से। अब हम लोग ये दोनों टूल्स के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली ये टूल का काम होता है कटिंग का। फॉर एग्जांपल ये हम लोग ने की, अब इसकी एजेस फिनिशिंग करनी है। तो हम लोग इससे इसको इस तरीके से शेप देंगे, मीन्स एजेस कितनी सही से निकली हैं। और ऐसे ही हम लोग नीचे की तरफ भी करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इससे कितना इजी हो जा रहा है कटिंग करना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। और ये टूल्स का भी यही काम है। अब जैसे एक वो वायर टूल्स था, एक ये वायर टूल्स है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वायर टूल्स नहीं जा पाएगा। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ फंसेगा, उस तरीके का बारीक काम नहीं हो सकता है जो इससे हो जाएगा ये टूल से। इसलिए ये टूल्स का यूज़ होगा यहाँ पे।
ये रहे वो बेसिक टूल्स जिसकी मदद से इस वर्क को बनाया गया है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।